जालंधर में नगर निगम चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। कुछ दिन पहले जालंधर के 85 वार्डों के नक्शे को प्रकाशित किया गया था, जिस पर कई सियासी पार्टियों ने प्रश्न उठाए हैं। चुनाव के मद्देनजर जालंधर के नगर निगम दफ्तर में बीजेपी के कई कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने जब 85 बोर्ड के जारी किए मैप को देखा तो उनमें कई कमियां पाई गई, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम अधिकारी को दी। पूर्व विधायक केडी भंडारी ने बताया कि इस मैप में कई वादों को लेकर फेरबदल किए गए हैं। भाई मेरे वाल ना देखो, नक्शे वाल देखो, नक्शा देखना है। नहीं सर, अज नगर निगम सारे बीजेपी करका पहुंचे ने, जो नक्शा लगाया गया नगर कौंसलर का, उस कई तलाशन थोड़े वो लगाए। देखो जी, इलैक्शन कारपोरेशन दे आ गए हैं और साड़े पार्टी प्रदेश पंजाब ने सानू बड़ी गंभीरता ना इलैक्शन नू लेना और सानू जो आदेश कल प्रदेश प्रधान जी आया सी, उन्होंने कमेटी बनाई है जिदे विच साड़ी सारी लोकल लीडरशिप है, साड़े प्रदेश दे सदस्य है। अज असी सारे ने इत्थे आके नक्शा वाचिया वै और जो नक्शे असी देखिया, नक्शे दे विच बड़ियां कोताहियां वै जिहड़ियां जनरल वाड़ा वै उन्होंने एससी किया गया। अज भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े पूरे पार्षद और साडे सीनियर लीडर हैं और जिहड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वह हलका अनुसार जिहड़े है वार्डां दा जिहड़ा वार्डबंदी का जिहड़ा नक्शा लग्या उहनूं जांच करन आए हैं और इस नक्शे नूं देखण तों बाद काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां निकल के बाहर आईआं हैं कि जिथे एससी वोट घट है उन्हूं एससी वार्ड बनाता, जिथे जनरल वोट ज़्यादा उन्हूं एससी वार्ड बनाता और जिहड़ा इन्हां दा डीलिमिटेशन बोर्ड बनिया सी, जिदा साडे लीगल दे मनीत मल्होत्रा जी आए उन्होंने भी दस्सिया कि वह भी जड़ा है गैर संवैधानिक बनया और ये सारी जड़ी नक्शे दी है ये सिर्फ दिखा।